सेल्सफोर्स लर्निंग चैनल हाजिर हूँ मैं आपके लिए आज सेल्सफोर्स की एक और वीडियो लेके। आज की वीडियो जो है हम पढ़ेंगे फील्ड लेवल सिक्योरिटी इन सेल्सफोर्स। मीन फील्ड लेवल सिक्योरिटी होती क्या है और इसे यूज़ कैसे किया जाता है और किस तरह से काम करती है। देखिए, फील्ड लेवल सिक्योरिटी जो होती है ये किसी एक पर्टिकुलर फील्ड पर अप्लाई की जाती है। ठीक है, फील्ड पर अप्लाई की जाती है। मीन फॉर एग्जांपल, इसको अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल पे भी अप्लाई कर सकते हो या फिर आपके यूज़र बना के अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये किस तरह से अप्लाई की जाती है। फॉर एग्जांपल, मेरा ए नाम का कोई यूज़र है, उसके अंदर मेरा बी नाम का कोई ऑब्जेक्ट है और बी नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी फील्ड बनी है नेम। मैं चाहता हूँ जो बी नाम ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नाम की फील्ड है वो मेरे ए यूज़र को ना दिखे या फिर उसे रीड ओनली हो जाए। तो इस तरह से जो काम होगा वो सारा काम किसके थ्रू होता है, किस परमिशन के थ्रू होता है, फील्ड लेवल सिक्योरिटी के थ्रू होता है। ठीक है, फील्ड लेवल सिक्योरिटी जो होती है वो अप्लाई करती है मल्टीपल फील्ड को, ऑन सिंगल प्रोफाइल पे भी कर सकती है और सिंगल परमिशन रख पे भी। और आप अप्लाई कर सकते हो सिंगल फील्ड को सारी मीन ऑल प्रोफाइल पे। कैसे कर सकते हो ये मैं आपको आगे लैब में करके दिखाऊंगा। देन हमारे आ जाते हैं टाइप्स। फील्ड लेवल सिक्योरिटी के दो तरह के टाइप होते हैं। ठीक है, या इसकी फील्ड की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है प्रोफाइल पे, ठीक है, या फील्ड एक्सेस विद किसके थ्रू, परमिशन के थ्रू, दो तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, फर्स्टली आपको क्या करना है, सेल्सफोर्स का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लॉग इन करना होगा। जैसे कि मैंने ये सेल्सफोर्स का एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लॉग इन कर लिया। अकाउंट लॉग इन करने के बाद आपको मैनेज यूज़र में जाके यूज़र पर टिक करना है। ठीक है, यूज़र पे टिक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने जितने भी यूज़र बनाए होंगे वो सारे यहाँ पे लिस्ट आपको लिस्ट मिल जाएगी और कौन से यूज़र एक्टिव है उनके आगे यहाँ पे टिक का आ रहा होगा। जैसे ये यूज़र मेरा एक्टिव है, ये यूज़र मेरा एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है। जिनके आगे ये टिक नहीं लगा है वो यूज़र डीएक्टिवेट है। तो एक्टिवेट भी वो वहाँ पे आपको बताइए किस तरह से करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया होगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस यूज़र को रेस्ट्रिक्शन देना चाहता हूँ किसी एक ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्टली इस यूज़र के नेम से लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने दूसरी विंडो पे गया, ये मेरा यूज़र है और यहाँ पे जाके मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट में जाके लॉगिन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है सेट, मुझे किस ऑब्जेक्ट पर डिटेल लगानी है ये देखने के लिए मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगानी है कस्टमर डिटेल पे। आप किसी पे भी लगा सकते हो, ठीक है, जो जो आपका ऑब्जेक्ट हो। तो मेरा कस्टमर डिटेल ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी अवेलेबल है तो उस यूज़र पे भी अवेलेबल होना चाहिए। तो आप जाके पहले यूज़र पे देखो कस्टमर डिटेल है और यहाँ से न्यू पे जाके टिक किया, हाँ इसके पास ये परमिशन है। अब मैं क्या करूँगा, इसी ही अब जाऊँगा मैं एडमिनिस्ट्रेटर पे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे जैसे ही मैंने टिक किया तो मैं जाऊँगा सेटअप। ठीक है, सेटअप के बाद जाऊँगा परमिशन कंट्रोल के बाद मैं जाऊंगा फील्ड एसेसिबिलिटी। जैसे ही मैंने फील्ड एसेसिबिलिटी पे टिक कर लिया तो यहाँ पे मेरी होगी कस्टमर डिटेल। तो आपको यहाँ से नीचे आना है, कस्टमर डिटेल जैसे ही आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी कस्टमर डिटेल। ठीक है, कस्टमर डिटेल में जाके अब मैं क्या गया, कस्टमर डिटेल गया। अब कौन सी फील्ड की आपको परमिशन नहीं देनी, ठीक है, या फिर रीड ओनली बनाना है। तो मैं पहले आपको, आपने मुझे बोला कि आप इसे चाहते हैं मेलिंग सिटी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, मेलिंग सिटी। तो मैं क्या करूँगा, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे गया, यहाँ से मेलिंग सिटी चेक करूँगा। ये रहा मेरा मेलिंग सिटी, ये तो आ गया मेरी फील्ड, ये आ गया मेरी प्रोफाइल। अब उस यूज़र की प्रोफाइल कौन सी है, तो आपने वहाँ पर जैसे यूज़र मैनेजमेंट गया आगे चेक कर लिया था जाके, कौन सी थी, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूज़र थी। ठीक है, स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म यूज़र पे जाके टिक किया। जैसे ही आपने टिक किया आपने कहा कि उसके लिए क्या होनी चाहिए, विजुअल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और कौन सा होना चाहिए, ओनली रीड ओनली होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने सेव किया, यहाँ से आपका सेव हो गया। आप जैसे यहाँ पे जाके रिफ्रेश मारोगे तो इसके बाद सबके कौन सी परमिशन आ गई, रीड ओनली। अब बस वो देख सकता है,
डाटा एंट्री नहीं कर सकता। अगर आपको दिखाना ही नहीं है उसी यूज़र को, तो आपको फिर अगेन उसी पे जाना है, यहाँ पे जाके फील्ड सेलेक्ट करनी है, कौन सी थी, मेलिंग सिटी, और यहाँ पे जाके सेम यूज़र पे जाके आपका यूज़र था स्टैंडर्ड सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म, यहाँ पे गए आपने, यहाँ से भी हटा दिया, अब सेव किया। और आपने यहाँ से रिफ्रेश मारा, ये फील्ड यहाँ से आपकी रिमूव होगी। अब आपको ऐड करवानी है, अब ये यहाँ से फील्ड हट चुकी है, ठीक है। अब आपको दोबारा से ऐड करवानी है, तो वैसे ही वो इसी प्रोसेस पे जाओ, यहाँ पे गए, कौन सी थी, मेलिंग सिटी, कौन सा यूज़र था, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म यूज़र, तो आपने क्या करना, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म यूज़र पे टिक किया, यहाँ से भी इस बार रीड ओनली और रिक्वायर्ड। जैसे आप यहाँ से सेव करोगे, सेव करने के बाद आपको जाना उसी ऑब्जेक्ट पे और यहाँ पे जाके रिफ्रेश मार देना ब्राउज़र को, तो ये फील्ड यहाँ पे दोबारा से अवेलेबल होगी। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, किसी फील्ड लेवल सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं। मेनली फील्ड लेवल सिक्योरिटी का काम यही होता है कि जो आपका यूज़र है, कौन सी फील्ड उसे दिखे, कौन सी फील्ड उसे ना दिखे, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, या फिर आप चाहते हो उसको जो फील्ड है सारी फील्ड दिखे, रीड ओनली हो जाए, बट वो डाटा एंट्री ना कर सके, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो ये जो इसी तरह से हम क्या करते हैं, फील्ड लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं सेल्सफोर्स के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।